मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में अस्पतालों के बंद आईसीयू की वजह से नहीं थम रहा है मौत का सिलसिला। आज फिर एक 13 साल की बच्ची आईसीयू बंद होने की वजह से उसकी मौत हो गई। हसीबुर रहमान जो अमृतनगर दरगाह के इमाम हैं, उनकी लड़की नकीबा 13 वर्षीय की एक हफ्ते से तबीयत खराब चल रही थी। पेट में पानी हो गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। बच्ची के पेट से पानी निकालने के बाद करीब एक हफ्ते से बच्ची जब भी खाना खाती थी तो उसका पेट फूल जाता था, मगर आज काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि पेट फूलने की वजह से सांस लेने में भी इस बच्ची को परेशानी हो रही थी। बच्ची के पिता हसीबुर रहमान बच्ची को लेकर बुरहानी बिलाल रहमानी प्राइम अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, मगर किसी ने भी इस 13 साल की बच्ची को भर्ती नहीं किया, जिसके बाद मुफ्ती अशरफ ने इस बच्ची को प्राइम अस्पताल में भर्ती करवाना चाहा, मगर बच्ची को भर्ती नहीं कर रहे थे। अस्पताल वालों का साफ कहना था कि आईसीयू बंद है, स्टाफ नहीं है, मगर मुफ्ती अशरफ और एक डॉक्टर से काफ़ी बहस हुई। इस बहस के दौरान बच्ची की तबीयत और बिगड़ती गई। काफ़ी बहस के बाद जब बच्ची का ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में अंदर लिया गया और उसका ट्रीटमेंट जैसे ही शुरू किया गया तभी इस बच्ची की मौत हो गई। बार बार अस्पतालों की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, आखिर कहाँ गए ये सब करोड़ों रुपए की ये अस्पताल मुमरा कौसा की जनता से कमाई करते हैं, और अब इस कोरोना की संकट में ये डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। और ठीक इसी तरह से मुमरा शहर के वो जिम्मेदार नेता भी अब लापरवाही दिखा रहे हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले ये नेता आज कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। शहर के लोग कितना परेशान है इन नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस कहीं अगर फोटोबाजी हो रही हो तो ये नेता वहाँ जरूर नजर आ जाएंगे। आपको याद होगा कि जब प्राइम अस्पताल लॉकडाउन के दौरान मनपा ने जब हल्का सा इस पर सख्ती बरती, उसके बाद ये अस्पताल जब चालू हुआ तो वहाँ कुछ नेता इसका श्रेय लेने के लिए पहुँच गए थे कि अब प्राइम अस्पताल में इलाज होगा, मगर आज उसी प्राइम अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं हो रही है और भर्ती ना होने की वजह से मरीज की मौत हो गई। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? लापरवाह अस्पताल या इन लापरवाही करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई न करने वाली मनपा या फिर शहर के नेता? आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? आज अस्पताल के गेट पर लोग तड़प रहे हैं, अस्पतालों में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। आज अगर आईसीयू वार्ड चालू होता तो ये 13 साल की नकीबा शायद जिंदा होती। मुमरा कौसा के इन अस्पतालों पर मनपा भी लापरवाही बरत रही है। इन अस्पतालों पर मनपा को कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि इन अस्पतालों में इलाज की कोई सुविधा नहीं है और कई दिनों से इन अस्पतालों के आईसीयू बंद है, जिसकी वजह से एक के बाद एक मौत हो रही है। मेरा नाम हसीबुर रहमान है, बच्ची का नाम नकीबा है। उसके पेट में पानी जम गया था, पानी निकलवाया था लेकिन पानी निकालने के बाद उसका पेट फूल जाता था, खाना पीना नहीं हो पाता था। अच्छा। खाना तो कितने दिन से तकलीफ हो रही थी? ये तकलीफ बस हफ्ता दिन से। अच्छा। तो अभी आज यहाँ प्राइम क्रिटेरियम में आप लेकर आए थे, तो यहाँ पर क्या बोला गया आपको? बोला गया यहाँ आईसीयू खाली नहीं, आईसीयू की ज़रूरत है, आईसीयू बंद है, नहीं ले पाएंगे। हम लोग वापस ले गए, फिर तमाम हॉस्पिटल में लेके गए। कौन कौन से हॉस्पिटल में ले गए? चांदशेखर, बिलाल, बुरहानी, रहमानिया, अम्मार, तमाम। अच्छा, तो रानी क्या वहाँ पर क्या कालशेखर तो कोविड-19 का है, लेकिन सब लोग यही पर हॉस्पिटल में क्या तमाम हॉस्पिटल वाले यही भाषण दिए कि यहाँ आईसीयू बंद है और जगह खाली नहीं है, हम लोग भर्ती नहीं करेंगे। अच्छा, तो अभी आपकी लड़की को यहाँ प्राइम क्रिटिकल केयर में लेकर आए आप, तो यहाँ भाई लोग हमारे, तो यहाँ पर क्या लिए क्या वो लोग? ये लोग जबरदस्ती ले गए। हाँ हजरत, क्या हुआ आपकी लड़की? एडमिट है अभी कि नहीं? डेट हो गया तो अभी अंदर रखे हैं, उसको लेके जाएंगे। डेट हो गया लड़की? हाँ। कितने साल उम्र थी? 13 साल। 13 साल उम्र जी। हाँ, यानी यहाँ भी ले नहीं रहे थे? नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती हजरत लोग आए हमारे यहाँ। ये लोग अल्लाह तबारक ताला ने गैब से इन लोगों को हमारी मदद के लिए भेजे,
अल्लाह ताला हमेशा हमेशा इन लोगों की मदद फरमाता रहे। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इमाम साहब की बच्ची तड़प रही है और इमाम साहब परेशान है, इमाम की पूरी फैमिली परेशान है, और एक साथ एक हार्ट का पेशेंट था वो भी तड़प रहा है बाहर, उसको ले ही नहीं रहे। मैं डॉक्टर से बात किया, बोला क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं ले रहे? बोले डॉक्टर नहीं हमारे पास। मैंने कहा कि आप साल भर आप लोग मुमरा से कमाते हो, आज जब हमारे ऊपर हालात आए, हमारे शहर के ऊपर हालात आए, तो डॉक्टर ही तुम्हारे अंदर, कि डॉक्टर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हॉस्पिटल बंद कर दो। मैंने कहा कि इस बात की शिकायत, इस बात की कंप्लेन मैं ऊपर डिपार्टमेंट तक करूँगा कि अगर आप लोग डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, इससे बेहतर है कि आप हॉस्पिटल बंद कर दें। लेकिन तुम साल भर जो कमाते हो ये बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन बच्ची का जो है हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो क्या उसे ट्रीटमेंट चालू किए थे तभी डेथ हुआ, या ऐसे ही एडमिट करते ही उसका डेथ हो गया? जब मैं अंदर आया तो उन्होंने, और जब मैंने बहुत सख्ती बरती इनके साथ, स्टाफ के साथ, तो इन लोगों ने जाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट करना था तो डॉक्टर जो मेन डॉक्टर थे वो शायद यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, और उसकी वजह से बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता। अच्छा, यानी अगर वक्त रहते उसका इलाज होता तो बच सकती। देखिए, अगर ICU अगर काम किया होता, ओपन होता, चला होता और उसमें सारी ट्रीटमेंट की जाती तो आज इमाम साहब की बच्ची जिंदा होती। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारा ICU आज बंद है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप भी NCP पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुमरा कौसा की जितने हॉस्पिटल हैं सब में ICU बंद है, डॉक्टर नहीं हैं, और ऐसे में आपके मंत्री और आपके जो स्थानीय नेता हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, कर क्या ना रहे, मैं आपके सामने जिंदा वजूद खड़ा हूँ, मैं खुद भी हॉस्पिटल में था, मेरा खुद नहीं, ऐसे हॉस्पिटलों पे आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हो? हमारी मनपा भी नाकाम लग रही है, मनपा भी कार्रवाई नहीं कर रही है ऐसे हॉस्पिटलों पे। हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि मुफ्ती साहब कल से मैं आऊँगा और मैं सबके ऊपर कार्रवाई करूँगा, और जितनी भी ICU है और जो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और हॉस्पिटल्स को जो रन नहीं कर रहे हम उनको रन करवाएंगे और उसको ओपन करवाएंगे। कल से इंशाल्लाह काम होगा इंशाल्लाह। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।